नमस्कार दोस्तों, मैं अपने चैनल मैं ब्रह्म हूं में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज जिस विषय को हम लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हैं, घेरण्य संहिता का वस्ती प्रकरण। वस्ती यहां पर दो प्रकार की बात बता रहे हैं, जल वस्ती ही शुष्क वस्तिर वस्ती ही द्विविधा स्मृता, जल वस्ती जले कुर्यात शुष्क वस्ती तदच्छित। जल वस्ती और शुष्क वस्ती यानी कि स्थल वस्ती की बात कर रहे हैं। कहते हैं कि जल वस्ती, ये जल वस्ती क्या है, तो नाभि पर्यंत नाभि तक अपने किसी टब में किसी जल स्थान में बैठ करके गुदा द्वार से जल को खींचना और छोड़ना, इस प्रकार की क्रिया जल वस्ती है। ये क्यों किया जाता है, किसी भी योग साधना में किसी भी उच्च कोटि के साधक जब तक शरीर के रोम रोम को पवित्र नहीं कर लेते तब तक किसी सिद्धि तक नहीं पहुंच पाते, समाधि तक नहीं पहुंच पाते, ध्यान तक नहीं पहुंच पाते। तो ध्यान क्रिया करने से पूर्व की ये तरीका है कि पहले अपने आप को शुद्ध करना, तो हम इससे अपने आप को शुद्ध करते। दूसरा है स्थल वस्ती, जिसको अश्विनी मुद्रा में घोड़े की मुद्रा से हम अपने गुदाधार को संकुचन करते हैं, ढीला करते हैं, छोड़ते हैं, संकुचन करते हैं। इस प्रकार से भी अपने शरीर को हम शुद्ध करने की कोशिश करते हैं। वैसे तो आम जनमानस में ये प्रचलन है कि यह क्रिया जो बैठ करके करना चाहिए, लेकिन घेरण्य संहिता में लिखा गया है कि इस क्रिया को करने के लिए पश्चिमोत्तान आसन में करना चाहिए। तो ये जल वस्ती स्थल वस्ती शरीर को शुद्ध करने में, खास करके अपने शरीर में हुई गंदगियों को दूर करने का एक प्रभावकारी तरीका है। इसके बाद यहां पर नेति योग की बात किया है। नेति योग क्या, मैंने पिछले वीडियो में थोड़ा संक्षिप्त परिचय दिया था। तो नेति योग प्रमुख रूप से दो प्रकार की है, जल नेति सूत्र नेति। सूत्र नेति से एक अलग आजकल प्रचलन में आया है रबड़ नेति, वो सूत्र नेति की ही विधा है, क्रिया सूत्र नेति वाली, बस रबड़ को सूत्र की जगह रबड़ इस्तेमाल होता है। जल नेति क्या है, जल को एक नाक से डाल करके दूसरे नाक से या मुख स्थान से मुख से निकालने की क्रिया को जल नेति कहते हैं। ये आजकल एक पात्र भी आता है जल नेति का, आराम से डाल करके आप निकाल सकते हैं, सिर्फ कप की समस्या समाप्त होती है। और सूत्र नेति से एक सूत्र आता है, एक नाक से डाल करके दूसरे नाक से मुख से थोड़ा हिला करके निकाल देते हैं, इससे भी कफ दोष का समन होता है। तो रबड़ नेति भी यही क्रिया करती है। इसके बाद लौलिकी योग। लौलिकी क्या है, जिसको नौली क्रिया कहते हैं, खास करके बाबा रामदेव ने इसे बहुत प्रचलन मिलाया, पेट जो घुमाते हैं उस क्रिया को लौलिकी कहते हैं। इसके करने से कहते हैं कि सारे पेट के रोग नष्ट हो जाते हैं और इससे हमारी जो जठराग्नि है वो प्रदीप्त होती है, उसमें और ज्यादा आग बनती है। ये सब कब करना है, जब हमको, अगर आप कोई आदमी ध्यान करना चाह रहा है, ध्यान करने से पूर्व की क्रिया है, पहले इनको सिद्ध करना पड़ेगा तब आप ध्यान को कर सकते हो। इसके बाद ध्यान से पूर्व की एक क्रिया और है त्राटक। त्राटक क्या है, त्राटक है किसी एक बिंदु को किसी एक ज्योति को एक टक बगर पलक झकाए हुए देखते रहना। कब तक देखना, जब तक आपके आंखों से अश्रुधारा न बहने लगे, आंखों से आंसू न आने लगे, तब तक इसको करना। और इसका सबसे अच्छा तरीका मैंने जो ढूंढा, जो आजकल अपना मच्छर भगाने वाली मशीनें आती है जिसके अंदर हम कॉइल लगाते हैं, वो अपना लिक्विड लगाते हैं, वो मशीन में ज्योति जलती है, बिंदु जलता है, लाइट जलती है, उसी को ध्यान कीजिए, बहुत प्रभावकारी है। तो हम त्राटक क्रिया कर सकते, त्राटक क्रिया से संभवी मुद्रा स्वयं सिद्ध हो जाती है और आपका जो मन विचलन होता है, विचलित होता है, वो रुक जाएगा, ध्यान के लिए बहुत लाभकारी है। इसके बाद कपाल भांति। सबको पता है कपाल भांति क्या होती है, लेकिन घेरण संहिता में तीन प्रकार की कपाल भांति का वर्णन किया है, वात क्रम कपाल भांति, व्युत क्रम कपाल भांति और शीत क्रम कपाल भांति। वात क्रम कपाल भांति क्या है कि जैसे हम लोग अपने एक नाक से सांस लेते हैं, दूसरे सांस से हम छोड़ देते हैं रोक करके, या हम पेट को आगे पीछे करते हैं, ये कपाल भांति हम लोग जो करते हैं इसको वात क्रम कहते हैं। द्योत क्रम क्या है, जल खींचने अपने नाक से और फिर उसको अपने मुख से निकाल देना है।
फिर मुख से खींच के नाक से निकाल दे। इस प्रकार से व्योत क्रम कपाल भांति है। फिर शीत क्रम कपाल भांति, मुख द्वारा शीत करके जल पीना है और नाकों से निकालने की कोशिश करना है। इन सबसे आपका जो शरीर का ऊपर का भाग है सब शुद्ध हो जाता है। इससे पूर्व हमने जो बात की थी वस्ति प्रकरण, वो हमारे गले से नीचे के भाग को शुद्ध करती है, और अभी जो मैं बता रहा हूं ये गले से ऊपर जो हमारी शुद्धिकरण उसकी बात कर रहा है। अब ऊपर नीचे दोनों शुद्धि करने के लिए इन क्रियाओं को करना चाहिए। इनके बाद हमको आसन इत्यादि में प्रवेश करेंगे। अगला वीडियो हम आसन के ऊपर आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो कृपया लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।